हेलो दोस्तों, मैं नाम प्रीत गुप्ता, आज आप देख रहे हैं व्लॉग्स एपीजी। सो गाइस, आज की जो वीडियो आने वाली है ना गाइस, ये एक कंपैरिजन वीडियो आने वाली है। और दोस्तों, आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो बिग डैडी 26T की हरकुलस टॉप गियर S26F1 के साथ। गाइस, यही दोनों जो साइकिल है, दोनों ही फैट बाइक है। और दोस्तों, आज की वीडियो में इनका कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए इन दोनों साइकिल में से कौन सी साइकिल ज्यादा बेहतरीन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने दिया था, जिनका कमेंट है आ रहा होगा। तो थैंक यू भाई कि आपने हमें टॉपिक दिया और आपने कहा था तो हम कैसे पीछे रह सकते थे, तो हम आपके लिए आज की वीडियो लेके आ चुके हैं। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया आने वाली है, इसलिए आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड तक जरूर से देखना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर देना, और जितने भी भाई लोग चैनल पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बढ़िया वीडियोस लाते आते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना ही देखे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर सबसे पहले मैं फ्रेम के बारे में बात करूं तो दोस्तों, हीरो बिग डैडी के अंदर हमें 17 इंचेस का फ्रेम देखने को मिल जाएगा, वहीं दोस्तों हरकुलस के अंदर हमें 18 इंचेस का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों एक साइज बड़ा है, लेकिन दोस्तों कोई भी यहाँ पे मैटर करने की चीज ज्यादा नहीं है। और दोस्तों, दोनों साइकिल के जो फ्रेम मटेरियल है वो दोस्तों हमें मेल्ड स्टील बॉडी का देखने को मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों साइकिल का जो वेट है वो तो थोड़ा सा हैवी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा मजबूत है, काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एक काफी अच्छी बात आती है। यदि इन साइकिल्स के अगर मैं व्हील्स के बारे में बात करूं, जो कि दोस्तों फैट बाइक के अंदर एक मेन अट्रैक्शन होता है, दोस्तों दोनों साइकिल के अंदर हमें 26 इंचेस के अलॉयज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इनकी जो विथ है, इनकी दोस्तों चौड़ाई है दोस्तों 4 इंच की देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों इस समय मार्केट के अंदर मैक्सिमम चल रही है और काफी अच्छी आती है। तो दोस्तों, दोनों साइकिल की जो व्हील्स की स्पेशलिटी है वो दोनों ही एकदम सेम है, बस हमें बिग डैडी के अंदर जो व्हील देखने को मिलता है वो नॉर्मल व्हील देखने को मिल जाता है, और वहीं दोस्तों हरकुलस के अंदर हमें जो व्हील देखने को मिलता है उसमें दोस्तों जो होल्स वाला प्रिंट आता है ना वो अलॉय में देखने को मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों थोड़ा सा लुक हमें वहां पे अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों दोनों की जो स्पेशलिटी है वो एकदम सेम देखने को मिल जाती है। गाइस, अगर इन साइकिल्स में गियर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों हीरो के है ना हमें 21 गियर का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों शिमानो का आता है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे रिवो शिफ्टर देखने को मिलते हैं। और वहीं दोस्तों, अगर मैं हरकुलस के गियर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें 21 गियर का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइक्रो शिफ्ट का गियर का सेटअप आता है। और दूसरी दोस्तों चीज है कि यहाँ पे हमें थंब शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों माइक्रो शिफ्ट के ही आते हैं। दोस्तों, दोनों ही साइकिल के अंदर हमें 21 गियर तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों हीरो के अंदर शिमानो का गियर आता है, लेकिन दोस्तों वहां पे रिवो शिफ्टर आते हैं। ये मुझे थोड़ा सा एक मिनिमम सा मुझे लगा कि एक डाउन पॉइंट यहाँ पे आता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं हरकुलस की बात करूं तो दोस्तों हमें यहाँ पे माइक्रो शिफ्ट का गियर का सेटअप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको पता भी होगा कि यार जो माइक्रो शिफ्ट है वो कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है, काफी अच्छे गियर्स बना रही है, इसके जो गियर्स है काफी महंगे महंगे और प्रीमियम साइकिल्स में भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पे तो हमें गियर का मामला भी दोनों जगह पे काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं ब्रेक्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों दोनों ही साइकिल के अंदर हमें फ्रंट एंड रियर दोनों में ही 160mm के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, सस्पेंशन की बात करूं तो दोस्तों दोनों ही साइकिल के अंदर हमें फ्रंट में फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये तो गई ओवरऑल इन साइकिल्स की कुछ स्पेशल्स के बारे में बात। अब दोस्तों, इन साइकिल्स के कुछ लुक्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों, अगर हीरो के लुक के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं तो दोस्तों, इन लोगों का जो फ्रेम है वो तो काफी अच्छा मुझे डिजाइन में लगा। दोस्तों, इन लोगों ने मैट ऑरेंज रंग का फ्रेम ले रखा है, उसके ऊपर दोस्तों ब्लैक रंग से ग्राफिक वर्क कर रखे हैं। दोस्तों, काफी डिसेंट सा फ्रेम ले रखा है, और दोस्तों ऑरेंज रंग का ही है और ब्लैक रंग का यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये एक ही रंग पे हमें मतलब अट्रैक्ट करते कि ऑरेंज रंग है वो थोड़ा सा चमक रहा है, वैसे तो मैट रंग है लेकिन दोस्तों अब ऑरेंज एक ही कलर है तो थोड़ा चमक रहा है, तो हमारा ध्यान वहां पे जाता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं हरकुलस के लुक्स के बारे में बात करूं तो इन लोगों ने मैट ब्लैक रंग का फ्रेम ले रखा है, उस पर ग्रे और रेड रंग से काफी अच्छे ग्राफिक वर्क का लिखे हैं, जो कि मुझे देखने में काफी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्राफिक वर्क वाली साइकिल चल रही है। और दोस्तों, वो हीरो थोड़ी प्लेन आती है इसके सामने, वहीं पे हरकुलस में हमें थोड़ा ज्यादा ग्राफिक वर्क देखने में मिल जाता है। दोस्तों, जो अलॉय के जो इसके रिम्स है टायर पे दोस्तों, उनमें होल वाला डिजाइन कर रखा है, उससे दोस्तों साइकिल लुक है वो और भी थोड़ा ज्यादा मुझे इनहेंस लगता है। तो दोस्तों, दोनों साइकिल लुक अपनी अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन दोस्तों मुझे थोड़ा सा हरकुलस का लुक ज्यादा पसंद आया। बाकी आप मुझे कमेंट करके दोस्तों बताना कि आपको इन दोनों साइकिल में से किस साइकिल का लुक ज्यादा पसंद आया। अब दोस्तों, मेन बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। आप भी कहोगे सब कुछ बता दिया, प्राइसिंग भी तो बताओ। दोस्तों, आपको पता है कंपैरिजन वीडियो में, कंपैरिजन वीडियो के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर भी प्राइसिंग निकल के आता है, क्योंकि ये गेम पूरा पलट सकता है। दोस्तों, अगर मैं हीरो बिग डैडी की प्राइस की बात करूं तो दोस्तों हमें 15,500 की देखने को मिल जाएगी इस वक्त मार्केट के अंदर। वहीं दोस्तों, अगर मैं हरकुलस की बात करूं तो दोस्तों ये साइकिल हमें इस वक्त मार्केट के अंदर 17,000 की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, दोनों ही साइकिल के अंदर हमें 1500 रुपीज का फर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये नहीं कहूंगा जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोस्तों 1500 रुपीज कम नहीं होते, तो यहाँ पे हमें फर्क देखने को मिल जाता है।
अब दोस्तों मेन बात करी जाए कि कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही साइकिल काफी ज्यादा बढ़िया, आपको जो साइकिल पसंद है आप उसे ले लेना। अब दोस्तों थोड़ी सी अगर मैं इन पे प्रकाश डालूं, देखें कि कौन सी साइकिल ज्यादा अच्छी है, तो दोस्तों अगर मैं पहले हीरो की तरफ देखूं तो दोस्तों हीरो में हम 1500 रुपए बच रहे हैं और दोस्तों सब कुछ अच्छा आता है, शिमानो शिफ्टर्स भी, शिमानो के गियर आते हैं, तो दोस्तों काफी अच्छा एक क्वालिटी और हमारे माइंड सेट अभी है कि शिमानो ज्यादा बेटर है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। बस एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात मुझे ये लगी कि इसमें रिवो शिफ्टर्स है, थंब शिफ्टर नहीं आते। रिवो शिफ्टर आपको याद होगा गोल जो हाथ से घुमाते थे वो वाले आते हैं, बस उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई भी माइनर पॉइंट नहीं है, काफी अच्छी नजर में आती है। वहीं दोस्तों अगर मैं हरकुलस के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 1500 रुपए ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इस साइकिल का लुक है वो भी मुझे देखने में काफी ज्यादा पसंद आया। दोस्तों माइक्रोशिफ्ट जो गियर है वो भी ऐसे ऐसे नहीं है, तो यहाँ पे हमें नई टेक्नोलॉजी भी देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों दोनों ही साइकिल अपनी जगह काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे हमने कंपैरिजन करी है तो इन दोनों में से कौन सी साइकिल ज्यादा बेटर है आपके लिए, तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका बजट 17,000 तक है तब भी आप देखिए, अगर आपको थोड़ी एक्सेसरी लेनी है, आप सोचें थोड़े ग्लव ले लेंगे, वाटर बॉटल ले लेंगे और थोड़ी छोटी मोटी एक्सेसरीज ले लेंगे, और अगर आपको हीरो पसंद आती है तो दोस्तों आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही साइकिल के अंदर जो मेन चीज है स्पेशलिस वो तो पूरी सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लुक का फर्क आ जाता है, तो दोस्तों आप हीरो की तरफ जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरी तरह हरकुलस का लुक थोड़ा ज्यादा पसंद है और अभी आपको है कि एक्सेसरीज नहीं चाहिए, आप बाद में ले लोगे और 17,000 रुपए तक आपका बजट है, तो आप हरकुलस की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं है। दोनों ही साइकिल के अंदर अपनी अपनी काफी अच्छी चीज है, दोनों ही में ही हमें ब्रांड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, और मेन जो स्पेशलिस्ट है वो कमाल की है, और दोस्तों दोनों ही फैट बाइक काफी ज्यादा अमेजिंग है। दोस्तों इन दोनों साइकिल में से जो भी साइकिल आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, इन दोनों साइकिल जो भी बेस्ट वैल्यू होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके दोस्तों चेकआउट कर लेना। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं होप करता हूं आपका वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अगर आप हमसे कुछ भी कहना बताना पूछना चाहते हो या किसी स्पेशल पे कोई वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खाली है उसमें जरूर से कह देना, और अभी तक ऐसा होता है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है वो सही दबाना ताकि आपको ऐसी बढ़िया वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते किसी अच्छे बड़े बेहतरीन वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।